नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये कार्रवाई मनीष सिसोदिया के। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अब मनीष सिसोदिया की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये बहुत बड़ी घटना। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी से। ब्रजेश जी, ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब मनीष सिसोदिया की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हमने देखा है कि सीबीआई ने पहले उनको गिरफ्तार किया था, वो जेल में है रिमांड के बाद, और ऐसी आशंका नहीं बल्कि संभावना थी कि ईडी आगे कार्रवाई करे। ईडी क्यों कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर पर वो शराब घोटाले में अंदर है, वो वित्तीय जांच एजेंसी है ईडी, तो वित्तीय लेन देन हुआ है, जो गड़बड़ियां हुई हैं उस आधार पर उन पर कार्रवाई करेगी। इसलिए समझना होगा कि ईडी क्या काम करती है। वो फेमा के तहत कार्रवाई करती है, वो पीएमएलए जो 2002 में अधिनियम बना है, इस तरह से यदि आपने संपत्ति एकत्र की है गलत कामों से, उसके जरिए उस पर कार्रवाई करती है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला होता है उस पर कार्रवाई करती है। तो इस तहत निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि आगे मनीष सिसोदिया पे ईडी का भी शिकंजा कसेगा, कि उन्होंने किस तरह से जो अवैध तरीके से जो शराब नीति से जो धन संचय किया था। तो सीबीआई एक आपराधिक मामले की जांच कर रही थी, षड्यंत्र किया था उन्होंने शराब नीति को किस तरह से, उसमें आगे निश्चित तौर पर ईडी की भूमिका आने ही वाली थी। वो बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि जो दस्तावेज मिले होंगे ईडी से शेयर किए होंगे सीबीआई ने, उसके आधार पर उन्होंने ये गिरफ्तारी की है। अब इसके बाद ईडी उन्हें रिमांड पर मांग करेगी और उससे संबंधित पूछताछ करेगी। तो निश्चित तौर पर यदि सिसोदिया ये सोच रहे होंगे या आम आदमी पार्टी ये सोच रही होगी कि उन्हें आगे जमानत मिल जाएगी, ये उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और लगातार जब आप किसी मामले की जांच करते हैं तो एक के बाद एक परतें खुलती जाती हैं, तो इसी तरह से जब परतें खुलेंगी तो ये मुश्किल बड़ी नहीं, और आगे भी सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। जिस तरह से हमने देखा है सत्येन जैन की मुश्किलें बढ़ती गई थी और वो लंबे समय से जेल में है, यही वजह है कि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। कभी उनकी तुलना राम से करती है, कभी उनकी कहती है कि उनको ऐसी सेल में रखा गया है जहाँ पे खूंखार आतंकवादी या अपराधी रुके हुए हैं, उस सेल में उनके साथ रखा गया है। एक तरह से वो प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि उनको जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, उनको टार्चर किया जा रहा है। ब्रजेश जी, क्या इस गिरफ्तारी से कांग्रेस और भाजपा को कोई नया मौका मिल गया है? निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो सरकार है वो सरकार विपक्ष के नेताओं पर प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है, अनैतिक रूप से उनको अंदर कर रही है। लेकिन जब भी सीबीआई कोई काम करती है, जब भी ईडी कोई काम कर रही है, ईडी आज ही नहीं, इसको पावरफुल को हमने देखा है कि यूपी सरकार ने किया, उनको सारे तमाम अधिकार दिए हैं जांच के, गिरफ्तारी के, जो पहले उसके पास उतने अधिकार नहीं थे, उसे अधिकार संपन्न यूपीए बना के गई है। यदि हम सीबीआई की बात करें तो आज भी देश में कोई घटना होती है तो विपक्ष देखते हैं कि सीबीआई की जांच की मांग करता है, तो सीबीआई पर कहीं ना कहीं भरोसा है लोगों को। लोगों को ही भरोसा नहीं, विपक्ष के नेताओं को जो आरोप लगा रहे हों, सियासत के नजरिए से आरोप भले ही लगाते हों, लेकिन जब उनकी जांच पर किसी सवाल होती है, लोकल जांच पर उनको भरोसा नहीं होता, चाहे वो उनकी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, वो देखिए आप सीबीआई जांच की मांग करते हो। सीबीआई के जांच का एक तरीका अलग होता है, बड़े सबूतों के आधार पर जांच करती है, जिस तरह से हम देखते हैं कि लोकायुक्त पहले सबूत इकट्ठा करती है फिर ट्रैप करती है, सीबीआई भी पहले सबूत जुटाती है, उसके जांच करने का जो तरीका है बड़ा ही साफ है। और कई कारण बात वजह देखी हमने कि कई बड़े नेताओं को, चाहे विपक्ष के नेता रहे हों चाहे सत्ता पक्ष के नेता रहे हों, सीबीआई जब क्लीन चिट देती है तो उस पर सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है वो उसको भी मोहर लगाना पड़ता है, कोर्ट की निगरानी में रहता है ये सब कुछ। और मुझे नहीं लगता है कि यदि विपक्ष के आरोप भले ही लगा रहा हो सियासी रूप पर, लेकिन सीबीआई अब तक उस पर ऐसे कोई वो नहीं हुआ कि उसकी जांच में यदि वो विपक्ष का नेता है तो जबरन फंसाया गया हो, यदि विपक्ष का नेता भी है तो उसको क्लीन चिट दी गई सबूतों के आधार पर। वरना हमने देखा है कि कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को फटकार लगाता है जिसकी जांच में कोई लापरवाही होती है। तो यदि ये सबूत हैं तो आगे ईडी अब देखिए और पूछताछ करेगी और उन सब चीजों का खुलासा करेगी कि किस तरह से हेमा का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से
फेरा का उल्लंघन हुआ है, तो ये सब तमाम चीजें सबूत धीरे धीरे लोगों के सामने आएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश जी।